सो लाइट गाइज, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y69 डिवाइस के अंदर आप इजी टच सेटिंग का यूज कैसे करेंगे। इस सेटिंग को यूज करने के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह की जरूरत नहीं है। मेरा फोन वीवो का Y69 ही है। सिंपली आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। एक सेटिंग्स आपको मिल जाती है, मोर सेटिंग्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं, लेकिन जो आपको ओपन करना है मोर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा इजी टच का, आप यहीं पर इसको जस्ट प्रेस करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर इजी टच आपको ऊपर शो हो जाएगा, इसको जस्ट टर्न ऑन कर देंगे। जैसे हम ऑन करेंगे यहाँ पर एक ब्लैक साइन का एक एरो आ जाएगा। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो ये है स्क्रीन शॉट नोटिफिकेशन और यहाँ पर स्क्रीन लुक और बैकग्राउंड होम स्क्रीन, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे होम स्क्रीन पर आप विजिट हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें जो हो रही है इसके अंदर छोटी छोटी सेटिंग्स है, बिकॉज और जो एक्सपेंसिव फोन्स होते हैं उसमें और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं इजी टच के अंदर। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँ, कस्टमाइज मेन्यू है, आप इसको प्रेस करें। कस्टमाइज मेन्यू में जो आपको ये आइकन्स दिख रहे हैं चारों पांचों, लाइक सिक्स ऑलमोस्ट आइकन्स है, आपको क्या करना है इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। आपको वहाँ पर मे बी शायद एट ऐसे एप्लीकेशन है जो वहाँ पर शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है और उन सबको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसकी विजिबिलिटी की बात करूँ तो अगर आपको लगता है कि इसको कम कर देना चाहिए, डिस्प्ले पे थोड़ी सी अजीब टाइप की लगती है आइकन्स, तो आप उसे ट्राई कर सकते हो। डबल टैप का भी एक ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर। डबल टैप करने से क्या ओपन हो, जैसे कि मैं यहाँ पर डबल टैप करने से वॉल्यूम बटन को एक बार सेट करके दिखाता हूँ। दो बार इस आइकन को क्लिक कर दीजिए, वॉल्यूम बटन आ जाएगा, आप इसको यहाँ से कम डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे ही गाइस इजी टच का यूज़ करते हैं। आई होप समझोगे इजी टच कैसे इस्तेमाल करना है। फिर भी कोई कन्फ्यूजिंग हो इसके रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।